नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस महीने की शुरुआत में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद राज्य की स्थिति काफी खराब हो गई है। हिंसा में लाखों लोग तबाह हो गए। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए लोगों को अपने घर से भागना तक पड़ा। वहीं इस तरह लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर भटक गए। 55 से अधिक लोगों की हिंसा में मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हो गए हैं। वहीं लाखों लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। बता दें कि हिंसा के कई दिनों के बाद भी राज्य में हालात कुछ ठीक नहीं है। आलम यह है कि वहां दवाओं की किल्लत हो गई है। ये किल्लत आने वाले समय में और ज्यादा हो सकती है। वहीं मणिपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी है। एमसीडीए ने कहा कि राज्य लाइफ सेविंग ड्रग्स और अन्य दवाओं की कमी का सामना कर रहा है। वहीं आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है।